हॉट वेदर फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर तरुण श्रीधर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हॉट वेदर फुटबॉल प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर उन्होंने हॉट वेदर फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया गया। खिलाड़ियों को खेल की भावना के साथ खेलना चाहिए। इस हॉट वेदर फुटबॉल टूर्नामेंट जो है ये हिमाचल प्रदेश का उत्तर भारत का एक सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और मेरा तो इस टूर्नामेंट के साथ बहुत पुराना लगाव रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब आयोजकों ने मुझे इस टूर्नामेंट के लिए आमंत्रित किया। इसका नाम हॉट वेदर टूर्नामेंट है पर यह हो जाड़े में रहा है। उसके कारण मुझे बताया गया कि ये मंडल मैदान जो है इसका मरम्मत का रिपेयर का मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था, इसलिए अवेलेबल नहीं था। परंतु उसके बावजूद आयोजकों ने इस मौसम में इस समय इसका आयोजन किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, प्रशंसा के पात्र हैं। और जो भी इसके साथ आयोजक जुड़े हुए हैं, राजेंद्र गुप्ता जी, तिवारी जी, सुनील वैद्या जी, ये हमारे पुराने खिलाड़ी वेटरन तिवारी जी, मैं सबके नाम शायद ना ले पाऊं, जितने भी आयोजक इससे जुड़े हैं, ये दिखाता कि ये सभी बहुत ही वचनबद्ध हैं और बहुत ही कमिटेड हैं इस टूर्नामेंट को करने के लिए। और बड़ी खुशी की बात है कि राज पटेल मैदान की रौनक भी लगी। मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वही हॉट वेदर फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ियों ने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि आगे भी मिलते रहेंगे, हिमाचल का नाम रोशन करेंगे। टफ मैच था आज भी और कल का भी बहुत टफ मैच था, बहुत मेहनत की हमारे टीममेट्स ने और बहुत अच्छा रहा मैच, मजा आया खेल। अच्छी टीम है, ये गोल सिर्फ मेरा नहीं है, पूरी टीम का है, पूरी टीम की मेहनत थी जिसकी वजह से हम आज जीते हैं इतना बड़ा टूर्नामेंट। आगे भी अगर हमें सपोर्ट मिलेगा तो हम हिमाचल का नाम आगे रोशन करेंगे।